नमस्कार, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कंपोस्टिंग प्रोसेस कैसे की जाती है अपने ही किचन के वेस्ट से बना हुआ बेहतरीन कंपोस्ट एट योर प्लेस होंगी। तो बिफोर प्रोसेस कि कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है और उसे क्या लगता है, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे घर के किचन के वेस्ट से मैं किस तरीके से कंपोस्ट मुझे मिल रहा है। तो देखिए, ये मेरे घर का कंपोस्ट है। देखिए कितना फाइन है ये, और इसका जो कलर है वो देखिए कितना बेहतरीन है। आप देख सकते हैं इसका कलर देखिए, इसका फाइननेस देखिए। कंपोस्टिंग प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है हम पहले देखते हैं। कंपोस्टिंग के लिए मार्केट में बहुत डिफरेंट काइंड्स के पॉट्स अवेलेबल है, पर मैंने सोचा क्यों ना एक सस्ता सा उपाय हम ढूँढें। तो आपके घर में एक पानी पीने का मटका तो ज़रूर होता है। देखिए इस टाइप का मटका हमारे घर में होता है, ये कहीं भी आपको कैसे भी और सस्ते में मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, इस मटके को लाना है और इसको ये छेद करने हैं। अभी आप मुझे पूछिए कि ये मटका मैंने क्यों चूज़ किया। तो देखिए ये मटके की जो हाइट है उसके कारण हमें बहुत अच्छा डेप्थ मिलता है कंपोस्ट बनाने के लिए। सिवाय उसके जो उसका विड्थ है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, और उसका जो मुंह है इस मटके का, इसका जो टॉप है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो आप इसको बहुत अच्छे से, जो भी आपका किचन वेस्ट है वो बहुत अच्छे से इसमें स्प्रेड कर सकते हो, और आपको काफ़ी स्पेस मिलेगा इस मटके को भरने के लिए। तो मैंने सोचा कि इतना सस्ता और अच्छा उपाय है तो क्यों ना हम इसी मटके को अपने कंपोस्ट के लिए यूज़ करें। अभी देखिए इस मटके को नल भी आएगा साथ में, लेकिन आप इस तरीके से आप इस मटके को रख सकते हो कि ये वॉल साइड हो, तो ये तो दिखेगा ही नहीं, आपका सिर्फ ये फ्रंट पोर्शन ही दिखेगा जब आप इसे आपके टेरेस में यूज़ करोगे। अभी हम ये देखते हैं कि मैंने जो ये पॉट्स में होल्स किए हैं वो क्यों किए हैं। ये होल्स के वजह से इस मटके में हवा पूरे मटके में अच्छे से घूम सकती है, तो इसलिए मैंने ये एरिएशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए ये छेद इसमें किए। आप देखिए कि ये जो छेद है आप अपने आप से ड्रिलर से कर सकते हैं या फिर किसी कारपेंटर से भी करवा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि कंपोस्टिंग प्रोसेस करते वक्त हमें क्या क्या लगने वाला है। देखिए हमें ये कोकोपीट है, जिसे नारियल का भूसा भी कहा जाता है और रिमिक्स भी कहते हैं। अभी ये जो कोकोपीट है इसकी हमें लेयर बनानी होती है अपने कंपोस्ट के लिए अपने पॉट में। तो ये जो कोकोपीट है आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी नर्सरी में या फिर एग्रीकल्चर शॉप में भी ये मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं, ये है सेकेंड है कल्चर, जो माइक्रो बैक्टीरियल पाउडर है, जिसको माइक्रो बायल कल्चर पाउडर भी बोलते हैं। अभी ये पाउडर हमें इसलिए लगता है कि नेचुरली वैसे तो कंपोस्टिंग करना बहुत इजी है, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है। तो ये जो कल्चर है वो हमें हेल्प करता है कि कंपोस्ट अपना जो है वो जल्दी बने, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया है जो हम जब किचन वेस्ट के साथ डालते हैं तो वो वहाँ ग्रो होते हैं और वो अपना कंपोस्टिंग के लिए हेल्प करते हैं। तीसरा जो है वो है नीम पाउडर। देखिए ये है नीम पाउडर, तो ये यूज करना आप पे डिपेंड है कि आपको अगर ये यूज करना है नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ फ्लाइज को अवेयर दूर रखने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर ये वैसे तो अच्छा होता है अगर आप इसमें कंपोस्ट में यूज करें तो। सबसे पहले आप देखिए कि ये आपका पॉट है। देखिए मेरा पॉट थोड़ा सा भरा हुआ है, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो कि ये आपका पॉट है और ये वाला आपका बेस है। तो ये जो आपका बेस है उस पे आपको सबसे पहले कोकोपीट का लेयर बनाना है। देखिए आपके लिए मैं ऐसे बना के दिखा रही हूँ। देखिए इस टाइप से कोकोपीट डाल के उसको आपको स्प्रेड करना है आपके
मटके के बेस में, बॉटम में अच्छे से इसको स्प्रेड करने के बाद आप आपका किचन वेस्ट इसमें डाल सकते हो। तो देखिए, किचन वेस्ट में आप सब्जी के छिलके, फल के छिलके, एक की शेल्स, चाय पत्ती, सब कुछ डाल सकते हो। जैसे घर में बचा हुआ कुछ खाना हो, दाल, राइस, चपाती, कुछ भी आप डाल सकते हो। लेकिन मुझे एक बात आपसे कहनी है कि अगर आप इसमें सब्जी डालने वाले हो, जैसे कि मेथी है या फिर पालक है, तो ये इस तरीके से मटके के अंदर डालने के जगह आप इसे थोड़ा सा काट लो, जो फ्रूट के छिलके है उसे भी थोड़ा सा और कट कर दो। चाय पत्ती है, चाय पत्ती को आप छन्नी के साथ नल के नीचे पकड़ के उसे थोड़ा सा धो लो और फिर इसको आपके मटके में एज अ वेस्ट आप ऐड कर लो। देखिए, ये जो वेस्ट ऐड कर रहे हो वो भी आपको अच्छे से स्प्रेड करना है। इस तरीके से आप पूरा आपका वेस्ट, किचन वेस्ट जो है वो स्प्रेड कर दीजिए। अभी आपको क्या करना है कि इस ये किचन वेस्ट डालने के बाद ये जो कल्चर है, वाइट पाउडर है, इसको आप 1 टेबल स्पून ले लो और इसको अच्छे से इस किचन वेस्ट पे स्प्रेड कर दो। ये आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो और ये आपका फर्स्ट ही लेयर है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लो और उसे थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दो। देखिए, हमने अभी एक कोकोपीट लेयर बनाई है, उसके ऊपर हमने किचन वेस्ट डाला है, उसके ऊपर हमने ये कल्चर डाला है जो हमारे जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो अपना कंपोस्ट बनाने के लिए हमें हेल्प करने वाले हैं। इसके बाद अब हमें फिर से कोकोपीट लेयर ही इसके ऊपर डालनी है। देखो, आपने अगर वेस्ट डाला है तो आपका ये जो मैंने डाला है वो जो वेस्ट है वो ड्राई है, और इसके ऊपर अगर मैं कोकोपीट जो डाल रही हूँ वो आपको अच्छे से फैलाना है। अगर आप अच्छे से उसे नहीं फैलाओगे तो आपके कंपोस्ट में या फिर आपके पॉट में फ्लाइज होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। तो इसलिए जो भी वेस्ट आप किचन वेस्ट डाल रहे हो उसको अच्छे से आप कोकोपीट लेयर से कवर अप कर लो। देखो, मैंने भी काफ़ी डाल के इसे अच्छे से कवर अप कर लिया है। अभी इसके बाद, ये आपकी फर्स्ट लेयर है इसलिए इसके बाद हमें क्या करना है कि थोड़ा सा पानी इसके ऊपर स्प्रेड करना है। या फिर दूसरा भी एक तरीका है कि अगर आप किचन वेस्ट के ऊपर कल्चर ऐड नहीं कर रहे हो और आपका जो कचरा है वो थोड़ा ड्राई है, तो आप इस तरीके से पानी लेके उसमें कल्चर डाल के उसको मिक्स कर लो अच्छे से, और ये पानी भी आप इसके ऊपर छोड़ सकते हो। अगर आपका कचरा जो है, वेस्ट जो है वो ड्राई है और आपने पहले वेस्ट पर नहीं डाला हो, तो या फिर अगर आपका जो कचरा है वो ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा जो कल्चर है वो थोड़ा और ज़्यादा ले सकते हो। ये देखिए, आपका अभी लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर रेडी हो गया है। इसके ऊपर अगर आप चाहे तो ये जो नीम पाउडर है वो भी अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। देखिए, इस तरीके से आप इसे स्प्रेड कर सकते हो। या फिर और एक ऑप्शन है कि आप ये नीम पाउडर आपके कोकोपीट में ही मिक्स करके रख सकते हो, ताकि हर बार आपको कोकोपीट और बाद में फिर नीम पाउडर की लेयर ना बनानी पड़े, एक साथ ही आप उसको डाल के कवर अप कर सकते हो। इसी तरीके से आपको
ये फर्स्ट लेयर होगी, इसके इसके इसी तरीके से आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे भरते जाना है। लेकिन हर बार हमें जो वाइट पाउडर है अपना कल्चर जो है वो हर बार हमें इसमें नहीं डालना है। फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट लेयर में डाला है, इसके बाद अगर थ्री, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होने के बाद आप इसे ऐड करो, बीच बीच में आप इसे ऐड कर सकते हो। लेकिन जिस टाइम आपको लगे कि आपका वेस्ट जो है, किचन वेस्ट जो जमा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है और मे बी उसको होने के लिए, कंपोस्टिंग होने के लिए टाइम लगेगा, उस टाइम में भी आप कल्चर को पानी में मिक्स करके ऊपर से छोड़ सकते हो। तो और आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि आपको जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है उसमें हमेशा पानी का यूज़ करना है, आपको ये मॉइस्ट रखना है, क्योंकि जितना वो मॉइस्ट रहेगा उतना अच्छा वो कंपोस्ट होगा, उतना जल्दी वो श्रिंक भी होगा। अगर आपका जो है, मानो आपने सारी लेयर बनवा ली है और आपका आप पूरा जो लेयर है वो टॉप तक, मटके के टॉप तक भर सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मटका 20% खाली रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको उसके मुंह तक पूरा भर सकते हो। आपका पूरा भरने के बाद भी आपको लास्ट लेयर में ये जो पाउडर है वो पानी के साथ मिक्स करके छोड़ना है। मॉइस्ट होने के कारण वो जो प्रोसेस है वो अच्छे से होती रहेगी और जैसे ही वो श्रिंक होगा तो आपको समझ जाएगा कि प्रोसेस अच्छे से चल रही है। पूरा भरने के बाद आपको क्या करना है, बस आपको आपका ये लीड लेना है और उसके ऊपर रख के उसे बंद कर देना है। ड्रम अब फुल हो गया है तो आपको सेकेंड ड्रम के लिए शुरू करना है। तो सेकेंड ड्रम आप इसके ऊपर, फर्स्ट ड्रम के ऊपर रख सकते हो और उसे फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट ड्रम जब आप शुरू करोगे तो फिर से आपको उसके भी बॉटम में, उसके बेस में कोकोपीट लेयर ऐड करनी है और फिर से वही सेम प्रोसेस जो है अपनी, उसके ऊपर फिर वेस्ट, वेस्ट के ऊपर कल्चर और फिर कोकोपीट लेयर, ऐसे ही उसे बनाते जाना है। अभी ये डिपेंड करता है कि वो जो सेकेंड पॉट है या फिर फर्स्ट पॉट है वो आप कितना जल्दी वो फिल अप होता है, क्योंकि ये है कि आप कितना वेस्ट डालते हो उस मटके में, किस तरीके से डालते हो। अभी जब आप सेकेंड फिल करोगे तो उसे मानो 3 वीक्स आपको तो ऑलमोस्ट लग ही जाएंगे फुल करने के लिए। तो उतना जितना टाइम आपको सेकेंड मटका भरने के लिए लगेगा उतना ही टाइम फर्स्ट वाला जो है उसे कंपोस्टिंग होने के लिए मिलेगा। तो आप मिनिमम 3 वीक्स तो कंपोस्ट होने के लिए लगता है। आफ्टर 3 वीक्स आप चेक कर सकते हो कि आप जो फर्स्ट मटका है उसमें कंपोस्ट किस तरीके से बन रहा है। मानो वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, उसे हिला के देखिए, अगर आपको लग रहा है कि वो कंपोस्ट अच्छे से हो रहा है तो आप उसे आफ्टर 3 वीक्स निकाल सकते हो। तब तक आप, लेकिन जब तक सेकेंड आपका पूरा फुल हो ना जाए, आप उसे फर्स्ट मटके को वैसे ही रखिए ताकि उसे उतना टाइम मिले कंपोस्ट होने के लिए। अभी देखिए, अगर आपका सेकेंड भी फुल हो गया है और मिनिमम 3 वीक्स का टाइम भी हो गया है और आपको लग रहा है कि फर्स्ट मुझे चेक करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, आपका जो फर्स्ट वाला मटका है उसे आप उठा लो और उठा के फिर इस तरीके से किसी प्लास्टिक के, बड़े से प्लास्टिक पे उस मटके को उल्टा डाल दो, उसमें से सारा निकाल लो। तो वो निकालने के बाद आपको कुछ इस टाइप का कंपोस्ट मिलेगा, जिसमें कुछ पार्ट ऐसे भी होगा, कुछ आइटम ऐसे भी होंगे कि वो अभी तक हुए ही नहीं है। तो ऐसा होता है क्योंकि हर एक फूड का अपना एक टाइम होता है कंपोस्ट होने के लिए। तो हमें क्या करना है, अगर वो पॉसिबल हो तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर का निकाल के भी आप ये कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको एक अच्छा सा और इजी सा ऑप्शन मैं देती हूँ कि आप ये वाला देखिए, ये स्टैंड आपने कहीं देखा होगा, ये स्टैंड है आलू और प्याज रखने का स्टैंड।
तो मैंने क्या सोचा, मेरे पास एक पुराना स्टैंड था जिसके बाकी ये वाले टूट गए थे, तो मैंने इसके ये स्टैंड निकाल दिए हैं, और ये वाला है ये मैंने यूज़ किया है, ये जो कंपोस्ट मुझे मिला था उसको जस्ट सॉर्ट करने के लिए। देखिए मैं जस्ट इसको इस तरीके से हिला रही हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो बचा हुआ है वो मुझे इजीली और कम टाइम में ही अलग से सॉर्ट कर, यानी अलग से मिल गया है, सॉर्ट हो गया है, और नीचे जो फाइन पाउडर है कंपोस्ट का वो मुझे मिल गया है। तो आप ये जो बचा हुआ निकला है वो इसे फिर से जो नया पॉट है जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें डाल सकते हो अपने वेस्ट के साथ, इसे फिर से टाइम मिलेगा कंपोस्ट होने के लिए, जितना उसे टाइम मिलेगा उतना जल्दी वो कंपोस्ट हो जाएगा। तो मैंने ये चीज़ क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि ये जो है इसके जो होल्स है वो काफ़ी बिग है, तो उसके वजह से ये जो मटेरियल नहीं हुआ है वो बहुत जल्दी से इसमें से हम सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से ये निकल गया है, तो आपका जो एफर्ट्स है इतना अच्छा फाइन कंपोस्ट मिलाने का मिलने का, और जो ये वाला अलग से निकालने का, वो आपका एफर्ट्स एंड टाइम भी बच जाता है। अभी ये जो आपको कंपोस्ट मिला है इसको आप थोड़ा सा स्प्रेड कर दो, थोड़ा सा ड्राई कर दो, फिर आप इस कंपोस्ट को अपने आप चाहे तो किसी भी बैग में भर के रख सकते हो। अभी जब आप निकालोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब वो ड्राई हो जाएगा तो वो पूरा श्रिंक हो जाता है, तो इतनी क्वांटिटी आपको नहीं मिलेगी एक पॉट की, ये थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। लेकिन एक मैं आपको बता दूँ कि ये जो कंपोस्ट है आप एक बार मिलने के बाद आप चाहे किसी को दे दो गार्डनिंग के लिए, खुद यूज करो प्लांट्स के लिए, पॉट्स में डालो, या फिर आप एक बेहतरीन यूज़ है इसका कि फर्स्ट टाइम हमने कोको पीट लाया था लेयर बनाने के लिए, लेकिन अभी मैं इसी कंपोस्ट को एज अ कोको पीट करके यूज कर सकती हूँ अपने पॉट में। मीन्स अगर मुझे इस पर लेयर बनानी है तो मैं यही कंपोस्ट को यूज करूँगी लेयर बनाने के लिए, क्योंकि इस कंपोस्ट में अभी कोकोपीट ऑलरेडी है, यानी प्रेजेंट है। तो मुझे इस आपका जो फर्स्ट कंपोस्ट आपको मिलेगा उसके बाद आपको कोकोपीट लाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कल्चर लाना पड़ेगा, क्योंकि कोकोपीट आपको ऐसे ही आपके घर में मिल रहा है। इसी कंपोस्ट को आप एज अ कोकोपीट लेयर भी यूज कर सकते हो। ये प्रोसेस ख़त्म हुई है, आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से सस्ते में आप बहुत अच्छा कंपोस्ट बना सकते हो। मेरा यही प्रयत्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर का ही वेस्ट यूज़ करके अच्छा सा अच्छा कंपोस्ट बनाएं। आपका थोड़ा सा एफर्ट आपके मदर अर्थ को बहुत अच्छा बना देगा। तो धन्यवाद आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए।